पहला बाकायदा 9 मई का केस जो इमरान खान पर दर्ज किया गया, पहला केस जिस 9 मई का जिसमें इमरान खान की बाकायदा गिरफ्तारी डाली गई, पहला केस 9 मई का जिसमें जीआईटी ने तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल किया। 10 रोजा रिमांड के खिलाफ इमरान खान पहुंचे थे लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। हुकूमत उछल रही थी, कूद रही थी और कह रही थी कि हम ये फैसला नहीं मानते, और सुना जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी ये फैसला नहीं मानेगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने एक बारीक सी वारदात डाली। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। आज इमरान खान को मिला बड़ा रिलीफ, आज इमरान खान के हक में आया है बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से यह फैसला आया है और यह फैसला है 9 मई के 12 मुकदमों के हवाले से। ये वो पहला केस है 9 मई का, 12 मुकदमों वाला पहला केस जिसमें इमरान खान को बाकायदा गिरफ्तार किया गया था और जिसमें इमरान खान का बाकायदा 10 रोज़ा रिमांड लिया गया था, और इस 10 रोज़ा रिमांड के खिलाफ इमरान खान पहुंचे थे लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। और ये बड़ा फैसला इसलिए भी है कि ये 9 मई का पहला केस था 12 मुकदमों वाला जिसमें इमरान खान गिरफ्तार हुए बाकायदा और उनका रिमांड लिया गया, और इसलिए भी बड़ा अहम केस है और इसलिए भी ये फैसला बड़ा अहम है इमरान खान के लिए कि ये फैसला असर अंदाज होगा 9 मई के अगले आने वाले केसों पर भी। और लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ रिमांड का लदम करार दे दिया इमरान खान का, 10 रोज़ा रिमांड जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने दिया था, बल्कि इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी का नोटिफिकेशन भी कालदम करार दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। और इस केस में जिस तरह जिरह हुई और जिस तरह हकूमती वकील मतलब एडवोकेट जनरल पंजाब के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, पूरा पाकिस्तान हैरान है कि 9 मई का मुकदमा हो, 12 केसों वाला मुकदमा हो और हकूमती वकील मतलब एडवोकेट जनरल पंजाब के पास किसी सवाल का जवाब ना हो, कोई किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना हो, सब हैरान है। बात तो करनी आज इसी केस पर, इसी केस की समाअत पर और इसी फैसले पर, इस फैसले से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को और कितने रिलीफ मिल सकते हैं, ये फैसला कितने और केसों पर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन उससे पहले यह भी बताता चलूं कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन ने 39 तरीके इंसाफ के अराकीन को तरीके इंसाफ का मेंबर मान लिया है। लेकिन बात अभी यहां नहीं खत्म हुई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर, आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस, जो उनकी अब मखसूस नशिस्तें थी वो वापस कर दी थी, और इस पर हुकूमत उछल रही थी, कूद रही थी और कह रही थी कि हम ये फैसला नहीं मानते, और सुना जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी ये फैसला नहीं मानेगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने एक बारीक सी वारदात डाली है, और वो वारदात ये है कि 39 तरीके इंसाफ के उन अराकीन को जो तरीके इंसाफ में ही थे उनको तो मेंबर मान लिया है, और इससे यह भी मान लिया पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने कि गो के बल्ला तरीके इंसाफ का के पास अभी भी नहीं है मगर बहसीत जमात वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने यह माना कि तरीके इंसाफ भी एक जमात है, और उसके 39 अराकीन जो तरीके इंसाफ में थे उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन बारीक वारदात क्या डाली कि बाकी 41 MNAs जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जाना है, इन्होंने तरीके इंसाफ में इन्होंने वापस आना है, इनके हलफनामे लिए जाएं, पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट इनसे लेकर इनको तरीके इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर किया जाए, उन पर इलेक्शन कमीशन दोबारा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, और उसने कहा है कि 41 आजाद अरकीन ने पार्टी वाबस्तगी दस्तावेजात जमा करा दिए हैं। मतलब 41 वो अरकीन जो तरीके इंसाफ के हैं मगर आजाद थे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फाइज़ा काजी के बेंच के बल्ला छीनने की
बरकतों की वजह से और इलेक्शन कमीशन के फैसलों की वजह से। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन्होंने दस्तावेजात जमा तो करा दिए हैं और लेकिन लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी तरीके इंसाफ कन्फर्म करेगी। अब इलेक्शन कमीशन आगे कहता है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तरीके इंसाफ का कोई पार्टी ढांचा ही नहीं, तरीके इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। बैरिस्टर गौर, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। दो तरीके इंसाफ के इलेक्शन कालदम करार देकर तीसरे इलेक्शन पर अंडे बच्चे देता बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो 39 तरीके इंसाफ के अरकान जो थे वो तो हमने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिन बाकी 47 ने तरीके इंसाफ में आना है अब वो आ तो गए हैं, उन्होंने हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, लेकिन चूंकि तरीके इंसाफ का बुनियादी ढांचा ही नहीं हुआ है, बुनियादी ढांचा गायब है, उन्होंने अभी पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए, तो लिहाजा उनको उनकी तस्दीक कौन करेगा कि ये हमारे मेंबर हैं, तरीके इंसाफ से कौन तस्दीक करेगा। एक बारीक सी वारदात डाल के इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और हुकूमत पहले ही पहुंची हुई है कि ये जो खैरात में सीटें हमें दी गई थी वो हमें ही दी जाएं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI सब कह रहे हैं कि खैरात मैंडेट तरीके इंसाफ का, लेकिन चूंकि खैरात में हमें मिला था लिहाजा हमें ये खैरात हमारे पास ही रहने दीजिए। और जो खैरात में बने MNA थे वो भी चंद तरीके इंसाफ के, जो तरीके इंसाफ के MNA की जगह नून के, पीपल्स पार्टी के, JUI के MNA बन गए थे वो भी पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और छुट्टियों के बाद, एक महीने की छुट्टियों के बाद मखसूस नशिस्तों के केस की नज़रसानी अपील सुनी जाएगी और लग ऐसे ही रहा है कि तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन या हुकूमत ने कुछ गड़बड़ की तो इस बार सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है। पहले की दफ़ा नहीं है कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल के साथ 3-4 जजेज और बाकी सारे फायज ईसा काजी ग्रुप में हों, इस बार फायज ईसा काजी ग्रुप मिनॉरिटी में है, 2-3 लोग उनके साथ हैं, जजेस साथ हैं और फायज ईसा काजी साहब के 45-50 दिन बाकी रह गए हैं, मंसूर अली शाह का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है और वह फैसला मनवाएगी और जिसने ना माना उसके खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अगला मौजू है इमरान खान ने, जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही हो फायज ईसा काजी साहब जा रहे हैं, जाते फायज ईसा काजी साहब की बात हो तो आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खिलाफ जजेस कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी है। जजेस कमेटी 3 रुकनी सीनियर जजों की जो कमेटी जिसमें फायज ईसा काजी भी हैं, मंसूर अली शाह भी हैं, मुनीब अख्तर, उसमें दरख्वास्त दी है कि आइंदा जब आप बेंच बनाएं, आइंदा जब आप केस सुनने के लिए बेंच बनाएं, क्योंकि यही 3 रुकनी बेंच कमेटी बेंच बनाती है सुप्रीम कोर्ट में केसों के बेंच, तो इमरान खान ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे खानदान और मेरी पार्टी के मुकदमे ना सुने, यानी मेरा मुकदमा लगे, मेरे खानदान का मुकदमा लगे, मेरी पार्टी का मुकदमा लगे, उसमें चीफ जस्टिस शामिल ना हो। क्यों? इमरान खान कह रहे हैं 2019 में जब मैं हुकूमत में था, वजीर आजम था, मैंने कानूनी माहरीन के मशवरे के बाद काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। इस आईनी जिम्मेदारी को चीफ जस्टिस और उनकी एहलिया ने जाती हमला समझा और फिर चीफ जस्टिस की एहलिया ने गलत तस्सर की बुनियाद पर आवाम में मेरे खिलाफ जहर उगला। मैं समझा था कि चीफ जस्टिस का ओहदा के ओहदे का हलफ उठाने के बाद काजी फायज ईसा माजी को भुला देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनका कंडक्ट सबके सामने है, लिहाजा हमारे केस वो ना सुने, हमें इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। अगर वैसे तो ये इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर हो जानी चाहिए, और अगर ना भी मंजूर हुई तो फायज ईसा काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब के 50-1 दिन रह गए छुट्टियां निकाल कर। और एक और भी यहाँ सुनते जाइए, वापस फिर आते हैं लाहौर हाई कोर्ट चलते हैं जहाँ इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और मैं बताता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ क्यों है। और ये जो मैं अभी छोटी सी बात बताने लगा हूँ, ये 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से है जिसमें इमरान खान के खिलाफ जो मेन गवाह थे, मरकजी एक गवाहों में से एक गवाह, वो प्रवेश खटक थे, उनके इस दरख्वास्त को एहतसाब अदालत ने, जो 190 मिलियन पाउंड केस चला रही है, उसने मुस्तरद कर दिया है कि प्रवेश खटक कह रहे थे कि मैं जो एक बयान दे गया था उसमें मैं तसीह चाहता हूँ। अब बात असल में आसान लफ्जों में ये है कि प्रवेश खटक बयान देने आए 190 मिलियन पाउंड में अडयाला जेल में,
अदालत में, साहब अदालत में, वहां उन्होंने जो बयान दिया उस बयान में वो इमरान खान को निकाल गए। इमरान खान पर उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, ये जानबूझ के किया या गैर दानिस्ता किया ये परवेज खटक जानते हैं, लेकिन वो मरकजी गवाहों में से एक गवाह थे जिन्होंने, जो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने आए थे। उन्होंने आधी जिम्मेदारी शहजाद अकबर पर डाल दी, आधी जिम्मेदारी नैब के तफ्तीशी पर डाल दी और निकल गए। और अभी समाअत मुकम्मल हुई थी, इमरान खान अदालत में मौजूद थे कि नैब को पता चला कि ये तो हमारा गवाह इमरान खान को बरी करवा गया, इमरान खान के हक में गवाही दे गया। तो नैब के प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भागते भागते आए और अदालत को कहा कि हम इस बयान परवेज खटक को मुनहरफ गवाह समझा जाए, यानी ये इनकी गवाही को मेन गवाहियों में ना डाला जाए। अदालत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर बाकी नैब टीम आई, उन्होंने भी दरखास्त की, अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। फिर अब परवेज खटक ने दरखास्त दी है कि मैं वो पुराने बयान में तसी करना चाहता हूँ, वो दरखास्त भी मुस्तरद हो गई। और सुना जा रहा था कि परवेज खटक की अगर ये दरखास्त एक्सेप्ट हो जाती तो परवेज खटक ने बयान बदल कर सारा कुछ, सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर डालनी थी, जो कि ना हो सका। और आगे भी एक सुनते जाइए कि तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तार जो किया है, तोशाखाना टोटा फिल्म जो चल रही है, तीसरे तोशाखाना केस में जो इमरान खान को गिरफ्तार किया, उसका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ये केस सुन रहे थे। और इस केस की समाअत जूही शुरू हुई तो मुआवन वकील, असल वकील तो इस केस में सलमान सफदर साहब, मुआवन वकील इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं, उन्होंने खड़े होकर एतराज़ किया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कहा कि हमने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है और हमने कह रखा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे, मतलब इमरान खान के केस ना सुने, तरीके इंसाफ के केस ना सुने, हम पहले भी कई मरतबा एतराज़ कर चुके हैं और रिटर्न भी दे चुके हैं, लिहाजा ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले कि एक तो इस केस में अभी तक आपका वकालतनामा नहीं आया और दूसरा अगर ये मैंने बात मान ली तो एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, हर कोई कहेगा हमने इस जज से नहीं, ये जज मेरा केस ना सुने, ये जज मेरा केस ना सुने, लिहाजा आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और सलमान सफदर साहब आप दलाइल दें। और फिर दलाइल हुए, मतलब आमिर फारूक साहब ने, जिनके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर रखा है, उन्होंने एक मरतबा फिर से इमरान खान का केस सुनना शुरू कर दिया है। और ये केस है तोशाखाना पार्ट 3, तोशाखाना की रंगीन पंजाबी फिल्म जो चली हुई है, 4000 तोहफे ले गए इस 20 साल तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक इस मुल्क के बड़े, 1200 घड़ियां ले गए, लेकिन केस सिर्फ इमरान खान पर चल रहे हैं। तो वापस आते हैं अपने असल मौजू पर, और मैं जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इमरान खान को आज मिला है बड़ा रिलीफ, तरीके इंसाफ के लिए भी ये है बड़ा रिलीफ, बड़ा फैसला आया इमरान खान के हक में। 12 मुकदमों वाला पहला बाकायदा 9 मई का केस जो इमरान खान पर दर्ज किया गया, पहला केस जिस 9 मई का जिसमें इमरान खान की बाकायदा गिरफ्तारी डाली गई, पहला केस 9 मई का जिसमें जीआईटी ने तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल किया और तफ्तीशी टीम की तफ्तीश भी ऐसी थी कि वो वॉइस मैचिंग, फोटोग्रामेट्री टेस्ट और पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से माहरीन लेकर आए थे, वो तो इमरान खान ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं अभी नहीं करवाऊंगा। लेकिन पहला ये केस 9 मई का 12 केस मुकदमों वाला केस जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, पहला मुकदमा था ये 9 मई का जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इमरान खान का बाकायदा 10 रोजा रिमांड दिया इस 12 मुकदमों वाले पहले केस में। इस रिमांड के खिलाफ तहरीके इंसाफ गई लाहौर हाईकोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू पर बना 2 रुकनी बेंच और उसकी समाअत हुई आज। और हकूमती वकील, मतलब एडवोकेट जनरल पंजाब ने नुमाइंदगी की हकूमत की, इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर इस केस में वकील थे। और फिर जब समाअत शुरू हुई तो हैरानगी की उस वक्त इंतहा ना रही जब हकूमती वकील, मतलब एडवोकेट जनरल पंजाब के पास 9 मई के केस के पहला बाकायदा केस, 12 मुकदमों वाले केस में किसी सवाल का या कम से कम अहम सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे। मिसाल के तौर पे चंद सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, पूछे क्या आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने और उनके जवाब क्या मिले। पहला सवाल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने किया, अदालत ने किया, जब मुलजम मतलब इमरान खान गिरफ्तार था, और इमरान खान तो गिरफ्तार था लेकिन आपने 9 मई के का जो केस
कि में बाकायदा गिरफ्तारी डाली, वो डाली 14 महीनों के बाद और तफ्तीश भी 14 महीनों के बाद। इमरान खान तो गिरफ्तार था, आपके पास मौजूद था, तो ये तफ्तीश और गिरफ्तारी डालने में इतनी देर क्यों, 14 महीनों की देर? कोई जवाब नहीं था हुकूमती वकील के पास, तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं था। सवाल फिर अदालत ने किया, अगला सवाल, जब इमरान खान 3 मुकदमों से, मतलब तोशा खाना, साइफर और इद्दत में निकाह से केस से बरी हो गए, तब आपने ये 12 मुकदमों वाले 9 मई केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी। इसका मतलब है आप इसी इंतजार में बैठे थे कि इमरान खान इधर के मुकदमे खत्म हो, उनकी रिहाई की उम्मीद लगे, तो हम अगले इन 9 मई के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी डाल दें। हुकूमती वकील के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। और फिर सवाल, अदालत ने कहा, जब समाअत काफी देर होती रही तो अदालत ने एक मौके पे कहा, आपके पास जो सबसे बड़ा सबूत है आप जिस पर इंसार कर रहे हैं वो दिखाएं, सबसे बड़ा सबूत जो आपके पास है वो दिखाएं, बेशक आप चंद मिनट ले लें, अपना सबसे बड़ा, लेकिन अपना सबसे बड़ा अहम सबूत पेश करें। समाअत में फिर मुख्तसर वक्फा कर दिया गया और फिर 10-15 मिनट के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई लाहौर हाई कोर्ट में। तो एडवोकेट जनरल ने सबसे बड़ा सबूत क्या निकाला, इमरान खान की एक तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट निकाला और उसे पढ़कर सुनाया, और फिर इमरान खान की चंद ट्वीट्स पढ़कर सुनाए। इस पर अदालत ने कहा कि इस तकरीर में ऐसा क्या है जो जुर्म के जुमरे में आता है, और इन ट्वीट्स में ऐसा क्या है जिस पर मुकदमा बनना चाहिए। और फिर इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इमरान खान ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जेन साजी की, यही है इस तकरीर और इन ट्वीट्स में। अदालत ने कहा कि इससे ज्यादा जेन साजी या इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल हमें मिल रही हैं, और गालबन अदालत के मुअज्जज जजों के जेन में मरियम नवाज की गुज़श्ता रोज की तकरीर, 2 दिन पहले तकरीर जो उन्होंने बराह रास्त जजों को धमकियां दी, और फिर हकूमती मखसूस नशिस्तों केस के बाद हकूमती वकीलों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें, टीवी शो, सारा कुछ अदालत के गालबन जेन में था। तो जज साहब ने कहा कि जो कुछ इमरान खान की तकरीर में है, जो कुछ ट्वीट्स में, इससे ज़्यादा संगीन धमकियां तो हमें मिल रही हैं आजकल, मतलब दूसरे आपके लोग दे रहे हैं। और फिर अदालत ने पूछा एडवोकेट जनरल पंजाब से, इमरान खान ने क्या, इमरान खान ने हमले का ऐलान किया कि हमला कर दो? क्या इमरान खान ने हमला करने के लिए लीड किया? क्या इमरान खान ने जलाओ घेराओ का कहा? कोई ऐसा ट्वीट बता दें, कोई वीडियो बता दें, कोई तकरीर बता दें जिसमें इंतशार की बात की गई हो कि पकड़ लो, जकड़ लो, मार दो। एडवोकेट जनरल पंजाब के पास कोई तसली बख्श जवाब नहीं था। फिर अदालत ने पूछा, अच्छा ये बता दीजिए कि इमरान खान के खिलाफ सेक्शन क्या लगता है, दफा कौन सी लगनी चाहिए इस केस में? हुकूमती वकील एडवोकेट जनरल पंजाब बोले, सेक्शन 126 के तहत इमरान खान पर बगावत की कार्रवाई होगी। अब आपको जहन में है कि ये 9 मई के 12 मुकदमों वाला केस है जिसमें बगावत का केस इमरान खान पर चलाने की कोशिश होनी थी, मतलब अब जहन में रखिएगा। तो जिसके जवाब में अदालत ने कहा, ये सेक्शन, मतलब 121 जो सेक्शन बगावत की है, ये सेक्शन तो लाहौर हाई कोर्ट ने कालेदम करार दे दी है। और पता है ये सेक्शन, बाकी जज साहब ठीक कह रहे थे और वो जाहिर यकीनन ठीक ही कह रहे होंगे कि ये सेक्शन 121 कालेदम करार दे दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, बगावत की सेक्शन, कि बगावत का मुकदमा चलाया जाए। और इस सेक्शन के खिलाफ भला लाहौर हाई कोर्ट कौन गए थे? अरशद शरीफ। जी हाँ, अरशद शरीफ इस सेक्शन 121 के खिलाफ गए थे, क्योंकि उन पर भी एक बगावत का मुकदमा बना था, तो इसके खिलाफ वो गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने ये सेक्शन मुस्तरद, ख़त्म, कालदम करार दे दी थी कि ये बगावत वाली सेक्शन कालदम करार दे दी जाए। लिहाजा अदालत ने कहा, तो ये तो सेक्शन ही नहीं है, कालादम हो चुकी है जो आप इमरान खान पर लगाना चाहते हैं, मगर बगावत का मुकदमा बनाना चाहते हैं। अदालत ने ये भी कहा इस केस की समाअत के दौरान, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को देखना चाहिए था कि रिमांड बनता भी है कि नहीं।
हुकूमती वकील ने एक और बड़ा सबूत दिया इमरान खान के खिलाफ और वो कहा कि सिक्योरिटी ब्रांच के अफसर ने बताया इमरान खान ने हिदायत जारी की थी कि अगर मुझे रेंजर या फौज ने गिरफ्तार कर किया तो मुल्क बंद कर दें, जे एच के ऊपर हमला कर दें। यह भी गलत है, इमरान खान का एक ही बयान आया है कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि जे एच क्यू के सामने पूरा मन इहतजाज करें, ये हमला कर दें, मुल्क बंद कर दें, मुल्क बंद कर दें, तो हर चौथा सियासतदान कहता है। खैर, फिर इमरान खान के वकील हुकूमती वकील मतलब एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल हुए, फिर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, समात मुकम्मल हुई, फैसला महफूज हुआ और फिर फैसला सुना दिया अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने और फैसला इमरान खान के हक में आया और ये फैसला था कि रिमांड का लदम करार दे दिया, वीडियो लिंक पेशी का लदम करार दे दी लाहौर हाई कोर्ट ने और ये बहुत बड़ा फैसला आया इमरान खान के हक़ में, क्योंकि ये 9 मई का पहला बाकायदा केस था और 12 मुकदमों वाला केस था और इसमें हकूमत के पास, हालांकि बताया जाता है कि हमारे पास मंसूबा साज मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ 9 मई के हमारे पास काफ़ी सबूत हैं और इमरान खान को मास्टरमाइंड कहा जाता है, मंसूबा साज कहा जाता है, लेकिन आज जब अदालत में सबूत पेश करने की बारी आई 9 मई के मुकदमे की, 12 मुकदमे 9 मई के और उसमें बगावत की शिक लगाना चाह रहे थे एडवोकेट जनरल पंजाब, लेकिन सबूत कोई नहीं थे और अदालत ने ना सिर्फ रिमांड का लदम करार दे दिया बल्कि वीडियो लिंक पेशी का लदम करार दे दी और ये मुकदमा, ये समात, ये जजों के रिमार्क्स तरीके इंसाफ और इमरान खान के आने वाले मुकदमों पर भी असरअंदाज होंगे, इसलिए ये बड़ा अहम फैसला आया इमरान खान के हक में, इसलिए इसको बड़ी अहम फतह करार दिया जा रहा है तरीके इंसाफ और इमरान खान की हद तक, और हैरानगी जाहिर की जा रही है कि 9 मई के केस में हुकूमत ने वो सबूत क्यों नहीं पेश किए जिनका रोज़ वो बताती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।